पत्तियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पत्तियां जो है वो पौधे का ही एक भाग है ना, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। इसका मुख्य कार्य जो है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, समझ में आया सबको? Yes, ma'am. हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, है ना। आज हम पत्तियों के बारे में जानेंगे। तो पत्तियां क्या है? पौधे का ही भाग है जिसका मुख्य कार्य है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। इसके बाद हम जानेंगे पत्तियों के प्रकार। ये पत्ती हो गया, ठीक है। शिरा विन्यास के आधार पर पत्तियां जो है वो दो प्रकार की होती है। शिरा विन्यास के आधार पर पत्तियां जो है वो कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। पहला है जालिका रूपी शिरा विन्यास, दूसरा है समांतर शिरा विन्यास। समांतर शिरा विन्यास, ठीक है। तो हमने जाना पत्ती जो है पौधे का ही एक भाग है जिसका कार्य प्रकाश संश्लेषण करना है। उसके बाद हमने जाना कि पत्तियां जो है वो दो प्रकार की होती है, जालिका रूपी शिरा विन्यास और समांतर शिरा विन्यास। सबसे पहले ये जान लेते हैं आखिर शिरा विन्यास क्या है। किसी भी पत्ती को देखोगे आप, जैसे ये बरगद की पत्ती है, इसमें कुछ रेखाएं दिख रही है। अगर हम इसका चित्र बनाएंगे, है ना, किसी भी पत्ती का, ठीक है, इस प्रकार से, तो इसमें जो रेखाएं होती है उसको बोला जाता है शिरा। क्या बोला जाता है? शिरा। और जो बीच में रेखा होता है जो थोड़ा मोटा रहता है दूसरे रेखा की अपेक्षा, है ना, इसको बोला जाता है मध्य शिरा। क्या बोला जाता है? मध्य शिरा, ठीक है। तो इन शिराओं का जो डिजाइन है ना, कुछ पत्ती में इस प्रकार से डिजाइन होता है, कुछ में इस प्रकार से डिजाइन होता है, तो इन शिराओं के डिजाइन को ही बोला जाता है शिरा विन्यास, ठीक है। समझ में आ रहा है? Yes, ये पत्ती है बरगद का है, आम का है, इसमें जो रेखा है ये शिराएं हैं, और इन्हीं शिराओं का जो डिजाइन है वो कहलाता है शिरा विन्यास। अब पत्ती शिरा विन्यास के आधार पर दो प्रकार से होता है, जालिका रूपी शिरा विन्यास और समांतर शिरा विन्यास। जालिका मतलब इसमें जो है, नीचे दिखाई देगा ना, ये एक पत्ती है, इसमें एक मध्य शिरा पाया जाता है और इसके, है ना, इधर और इधर दोनों तरफ शिराएं जो है वो जाल के समान होता है, ठीक है। जैसे पीपल का पत्ता हमारे पास है, ये है ना, ये जो है मध्य शिरा है, और देख रहे हो जाल जैसा शिरा जो है वो पत्तियों में फैला हुआ है, दिख रहा है? Yes, इसको बोला जाता है जालिका रूपी शिरा विन्यास। ये आम का पत्ती है, इसका भी जालिका रूपी शिरा विन्यास है, देखो, है ना, लाइनिंग दिख रहा है, जाल जैसा शिरा बना हुआ है, ठीक है। और ये पीपल का हो गया, बरगद का हो गया, ये सब किस में आ जाएगा? जालिका रूपी शिरा विन्यास में। दूसरा है समांतर शिरा विन्यास। इसका अगर हम चित्र बनाएंगे तो ये इस प्रकार से दिखेगा। इसमें शिराएं जो है, ये रेखा जो है ना, लंबा लंबा रहेगा, एक दूसरे के समांतर में रहेगा। जैसे बांस का है हमारे पास ये, है ना, इसका रेखा देखो, शिराओं को देखो, लंबा लंबा है ये, और है ये सूख गया है, ये जो शिराएं है लंबा लंबा है। इसके अलावा धान है, प्याज है, इन सबकी पत्तियों का विन्यास कौन सा विन्यास है? समांतर शिरा विन्यास। समझ में आ रहे हैं? Yes, ma'am. Okay, दोनों में अंतर समझ में आ रहे हैं ना। इसका जो शिरा विन्यास है जाल के समान फैला रहता है, जबकि समांतर शिरा विन्यास में शिरा जो है वो लंबा लंबा रहता है, एक दूसरे के समांतर में रहता है। क्लियर? Yes, ma'am. है ना, इसका एग्जाम्पल है जालिका रूपी शिरा विन्यास का, आम का हो गया, है ना, आम की पत्ती हो गया, पीपल का हो गया, बरगद का हो गया, है ना, और इसमें एक बीज पत्री हम लोग पढ़े हैं, है ना, तो धान हो गया, गेहूं हो गया, बांस हो गया, मक्का हो गया, इन सब पौधों की पत्तियां जो है वो समांतर शिरा विन्यास में आएगा, ठीक है। और जितने भी द्विबीज पत्री पौधे हैं उनका जो पत्ती है वो जालिका व शिरा विन्यास उसमें पाया जाता है। क्लियर? यस मैम। yes,